जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट और डिस्टेंस का कोई भी रिलेशन गिवन हो किसी भी प्लैनेट का, तो एक ही क्वेश्चन अप्लाई करना है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के प्लस थर्ड लॉ। जैसे डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम सन इज गिवन, तो वीनस का आपको सन से डिस्टेंस गिवन है, एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो मीटर्स की जगह बड़े यूनिट्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं। तो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ, ऑर्बिटल पीरियड का मतलब टाइम पीरियड निकालो वीनस का क्या है, एक चक्कर कितनी देर में काटता है वीनस, ये बताओ। तो आपको इसमें क्या करना है, आप कंपैरिजन हमेशा अर्थ के लिए करेंगे, क्योंकि अर्थ की वैल्यूज हमें पता होती हैं टाइम पीरियड की। अर्थ एक चक्कर 365 डेज में काटती है, ठीक है, या वन ईयर में काटती है, 365 डेज ले लेते हैं, और एक प्लैनेट है वीनस। अब हम करेंगे क्या, हमें पता है अर्थ के लिए टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब फर्स्ट इक्वेशन, तो अर्थ के लिए इक्वेशन हो गई। सिमिलरली वीनस के भी सेम इक्वेशन है, वीनस के लिए आर का क्यूब, ये लो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, इन्हें डिवाइड कर लेते हैं, तो वीनस अर्थ, वीनस और अर्थ। अब एयू का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो सन और अर्थ की दूरी है वो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस वन एयू है, और अर्थ जो चक्कर काटती है सन के आसपास वो एक एक चक्कर में 65 डेज लगाती है। तो इस इक्वेशन में आपको डिनोमिनेटर 365 पता है, इसका स्क्वायर कर देना, जो वीनस है उसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है 0.72 एयू है, 0.72 एयू है, और अर्थ के लिए 1 एयू है, तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा इसका होल क्यूब, होल क्यूब एयू से एयू कैंसल, सॉल्व करके टाइम पीरियड ऑफ वीनस आएगा। कैलकुलेशन इसकी भी हार्ड है, क्योंकि क्यूब भी चल रहा है, क्यूब रूट भी चलेगा और स्क्वायर भी चलेगा, पर जो भी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके वीनस का टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड, अप्रोक्सीमेट निकालते ना तब भी चलेगा। मेथड समझ में आ रहा है कि इक्वेशन लगेगी कैसे, अदरवाइज अर्थ के साथ कंपेयर नहीं करेंगे फिर आंसर नहीं आएगा आपका इसमें। तो दो ही क्वेश्चन बनानी है, एक अर्थ के साथ एक किसी प्लैनेट के साथ, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो केपलर थर्ड लॉ कैसे काम करेगा समझ में आ रहा है यहां तक। देखो आपको टाइम पीरियड ऑफ वीनस पूछा, किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड पूछा हो आप वो इक्वेशन तो बनाओगे टाइम पीरियड स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। एक प्लैनेट और चाहिए होगा जिसकी नॉलेज आपको है और वो है अर्थ, तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, डिवाइड करेंगे तो आपको 365 डेज तो पता ही है अर्थ का टाइम पीरियड है, इसका आपको निकालना है, और ये एयू एयू में पता है, एयू से एयू कैंसिल आंसर, ठीक है, ऐसे करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू देखें जरा क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टू का, ये रहा। अर्थ भी वन हाफ ऑफ द प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, वो कह रहे हैं मान लो अभी जो अर्थ है, अर्थ और सन के बीच में जो दूरी है वो मान लो आर है, और अर्थ एक चक्कर कितनी देर में काटती है टी में, तो केस नंबर वन में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर का क्यूब, इक्वेशन नंबर वन। केस नंबर टू में, केस नंबर वन था ये, केस नंबर टू में क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ टाइम पीरियड आपको निकालना है लेकिन अर्थ का रेडियस क्या हो गया वो आधा हो गया, इक्वेशन नंबर टू। तो टाइम पीरियड निकालना है और रेडियस आधा हो गया, तो डिवाइड कर लेते हैं, टी डैश का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इज आर बाय टू का क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो यहां से टी डैश का स्क्वायर इज टी स्क्वायर इन टू आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ये 1/8 हो जाएगा। कैसे चाहिए तेरे को, ये देख अंडर रूट हो गया, तो टी डैश की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, टी बाय अंडर रूट ऑफ 8। तो टी टाइम पीरियड अर्थ का हमें पता है 365 डेज है, तो ये 365 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास
टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड जो भी आएगा सॉल्व करके जो टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 129 डेज, 129 डेज अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है। तो उसने पूछा कि कितने डेज से डिक्रीज हो जाएगा, पहले कितना था 365, अब कितना है 129, आंसर इतनी वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि करना क्या है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के साथ, ठीक है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट थर्ड, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट जुपिटर फ्रॉम सन इज 5.2 टाइम दैट ऑफ अर्थ। तो एक अर्थ ले लेते हैं, अर्थ का रेडियस आर है और टाइम पीरियड अर्थ का टी है, ये लो, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और एक जुपिटर ले लेते हैं, तो टाइम पीरियड जुपिटर का स्क्वायर और रेडियस ऑफ जुपिटर का क्यूब। तो इन्हें अगर हम डिवाइड कर दें तो टाइम पीरियड जुपिटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड अर्थ का स्क्वायर रेडियस जुपिटर रेडियस अर्थ का होल क्यूब, ऐसे। तो जुपिटर का टाइम पीरियड आपको निकालना है, अर्थ का टाइम पीरियड देखो डेज में करोगे तो कहानी लंबी हो जाएगी, एक काम क्यों नहीं करते ईयर में पुट कर दो ना, अर्थ का टाइम पीरियड 1 ईयर पुट कर दो, 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इजी हो जाएगा। डेज में अगर टाइम पीरियड ये डेज रखोगे तो आंसर डेज में आएगा, मत रखो ईयर में रख दो, ऐसे बोल दो 1 ईयर है तो आंसर भी किसमें आएगा 1, जुपिटर का भी 1 ईयर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू जुपिटर का जो रेडियस है वो कितना गिवन है 5.2 टाइम्स गिवन है, ये लो, तो ये होल क्यूब हो जाएगा, ये कैंसल, सॉल्व करके जुपिटर का ये स्क्वायर है तो 5.2 3/2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो रूट भी हो जाएगा, तो 5.2 × 5.2 × 5.2 क्यूब और एंड में क्या लेना है उसका अंडर रूट, तो बेसिकली 5.2 × अंडर रूट ऑफ 5.2 यही बनेगा, इसको सॉल्व करके 5.2 × अंडर रूट ऑफ 5.2 2 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट क्या है 2, 5 का अंडर रूट क्या है 2 पॉइंट समथिंग, तो 5.2 × 2 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल लेना यार, 11 पॉइंट समथिंग आता होगा, ऑब्जेक्टिव में तो मार्क कर ही देंगे, सब्जेक्टिव का तो करना ही पड़ेगा अंडर रूट, ऑब्जेक्टिव में तो और भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं ऐसे। समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट,
देखो इसके अंदर क्या है कि प्लैनेट नेपच्यून ट्रेवल्स अराउंड द सन विद अ टाइम पीरियड ऑफ 165 डेज, तो ये आपको गिवन है 165 डेज गिवन है, तो शो दैट ओ ईयर्स सॉरी ईयर्स तो ईयर्स तो क्या करना है इसमें, शो दैट रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेट 30 टाइम दैट ऑफ अर्थ, तो रेडियस निकालना है इसका, तो अर्थ का रेडियस आर ई है और टाइम पीरियड अर्थ का 1 ईयर है, तो एक इक्वेशन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर आर क्यूब, तो इसमें इन वैल्यूज को पुट करें, 1 और जो भी वैल्यूज पुट करनी है, तो रेडियस जो आएगा वो 30 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ये आना चाहिए आंसर, ये प्रूव करना है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करके प्रूव हो जाएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है करना क्या है, टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेडियस की रेशियो आएगी।